बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से हो रही है। समय पर ही अप्रैल मई में पंचायत चुनाव होंगे। मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी नामांकन की प्रक्रिया। मतदाता सूची तैयार करने में जुट गया है राज्य निर्वाचन आयोग। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही राज्य निर्वाचन आयोग अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। पंचायत चुनाव समय पर ही अप्रैल मई महीने में 10 चरणों में कराए जाएंगे। चुनाव 2016 में लागू आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही कराए जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। मतगणना संबंधित जिले में मतदान समाप्ति होने के चौथे दिन में शुरू हो जाएगी, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंचायत चुनाव की प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी गई है। आयोग ने सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को वार्ड-वार मतदाता सूची का विखंडन करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची संबंधित विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग को भेजा है। साथ ही पंचायत चुनाव कराने के लिए राशि की भी मांग की गई। पंचायती राज विभाग से हरी झंडी मिलते ही मतदाता सूची प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि जनवरी से पहले सप्ताह में वार्ड-वार मतदाता सूची का विखंडन कर लिया जाएगा, जबकि जनवरी मध्य तक औपबंधित मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। 15 फरवरी से पहले पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। मतदाता सूची प्रकाशित होने के तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम की रूपरेखा राज्य कैबिनेट को भेजी जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा कर दी जाएगी। बड़े जिलों में 10 चरणों में तो छोटे जिलों में कम से कम 3 चरणों में चुनाव कराने की कार्यक्रम योजना तैयार की जा रही है। मालूम हो कि त्रिस्तरीय पंचायत निकाय के 2,58,908 पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। इनमें ग्राम पंचायत मुखिया के 8,392, ग्राम कचहरी सरपंच के 8,392, ग्राम पंचायत सदस्य के 1,14,733, ग्राम कचहरी पंच के 1,14,733, पंचायत समिति सदस्य के 11,497 और जिला परिषद सदस्य के 1,161 पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। 6 महीने से ज़्यादा समय जेल में रहने वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सार्वजनिक अवकाश को ध्यान में रखकर चुनाव कार्यक्रम तय किए जाएंगे। मालूम हो कि 2016 में 24 अप्रैल को 60 प्रखंडों के 28 अप्रैल को 62 प्रखंडों में 2 मई को 62 प्रखंडों में 6 मई को 62 प्रखंडों में 10 मई को 60 प्रखंडों में 14 मई को 57 प्रखंडों में 18 मई को 54 प्रखंडों में 22 मई को 52 प्रखंडों में जबकि 26 मई को 38 प्रखंडों में और 30 मई को 27 प्रखंडों में मतदान कराए गए थे।